वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। मुझे देखकर पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है और इतनी ठंड में हमें जाना है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, इसलिए ताशी को हम छोड़ेंगे बुटीक पर क्योंकि ताशी इतनी ठंडी में नहीं जाएगी इतनी दूर, है ना बेटा? पकड़ लो हाथ में और हम लोग जाएंगे। चलो ताशा, ताशी बिल्कुल अपने अब्बल बब्बल के साथ जा रही है, रेडी होके। पहले मैं इसको लेकर जाने वाली थी लेकिन हाईवे है और इतनी ठंड है तो प्लान चेंज हो गया। वो मेरा बच्चा जिद भी नहीं करता कि नहीं मम्मा मैं तो साथ जाऊंगी, है ना बेटा? मम्मा जैसे बोलती है बेटू मान लेता है ना। गुग्गल है मेरी बच्ची, बहुत गुग्गल है, बहुत गुग्गल। तुम हमारे पास आ जाओ ताशी, पीछे आ। चलो आ जाओ ताशी, धीरे धीरे आना। आ गए हम अपने बुटीक पर। ये है नेहाज बुटीक जो कि खड़ा ही हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी पापा की वजह से। मेरा भाई यहाँ एक साल पहले से भोपाल में है। मैं पहले आपको मास्टर जी के बारे में बता दूँ, टेलर नहीं बोलते हैं हम, मास्टर जी बोलते हैं, अच्छा लगता है ऐसे बोलना। इनका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है इनकी। यहाँ पर भाई मुझसे बोल रहा है कि जल्दी से चेंज कर लो तुम, क्योंकि साड़ी पहन के इतनी दूर नहीं जा पाओगी, क्रॉस करके बैठोगी तो कंफर्टेबल होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम अब मम्मी को बताऊँगी, वैसे तो मम्मी सब कुछ संभाल लेती हैं। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि भाई यहाँ एक साल पहले ही शिफ्ट हो गया था भोपाल में, लेकिन एक रात भी मेरे मम्मी पापा भाई के पास नहीं रुके हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ पाते थे इटारसी। और आज मेरे लिए जब मैं भोपाल शिफ्ट हुई तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी, तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, मम्मी पापा अपना घर छोड़ कर यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं ताकि मैं फ्री होकर दूसरा काम कर सकूँ। अब देखिए मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जाऊँगी क्योंकि मम्मी पापा यहाँ पर देख लेंगे, ताशी को भी, ताशी को छोड़ के जाऊँगी यहाँ पर। और बुटीक पर भी मम्मी ने सिलाई सीखी हुई है, सेंटर जाकर उन्होंने सीखा था और सर्टिफिकेट भी उनके पास, उनको काफ़ी नॉलेज है, वो बहुत कुछ संभाल लेती हैं। आज अगर ये दोनों नहीं होते, मैं किसी अलग ब्लॉग में बताऊँगी आपको, सभी के मम्मी पापा करते हैं पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत बहुत किया मम्मी पापा ने, तो अलग ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी इनके बारे में। और करने वाले सिर्फ और सिर्फ, प्रत्यक्ष आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली है, कोई नहीं करता, सिर्फ फैमिली करती है। मेरे भाइयों ने किया, मेरे मम्मी पापा ने किया, बस, जिसके कारण आज मैं हूँ, बुटीक भी है, मैं भी हूँ, मैं ज़िंदा ही इन्हीं के कारण हूँ, सबसे पहले बात तो, नहीं तो मैं ज़िंदा ही नहीं होती। मुझे सदमे से निकालने वाले, ये बोलने वाले कि तुम सब कुछ कर सकती हो, ये मेरे मम्मी पापा ही हैं। हमारे मुश्किल समय में सर पर हाथ रख के अगर ये बोला जाए कि कर बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। और ये आयरन लेडी आज बनी इन्हीं की वजह से है। मैंने सूट चेंज कर लिया है क्योंकि इसने बोला कि नहीं आपको तो ऐसे क्रॉस करके ही बैठना पड़ेगा, साड़ी में नहीं जा सकते हो, इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा। चलो चलें, लेट हो रहे हैं। हाँ मम्मी पापा, चार किलोमीटर थोड़ी, 40 किलोमीटर भी जा रहा है। इधर कहाँ जा रहे हो? मम्मी को, ताशी को बाय ड्राइवर कर दिया आप? अच्छा हाँ, ताशी को बाय करके जाएंगे। अब शांत एरिया, बहुत प्यारा एरिया, बहुत प्यारा एरिया, जैसे मैं आ जाती हूँ बहुत प्यारे एरिया में, मैं इतने प्यारे एरिया में नहीं इतना काम आती। ताशी हम जा रहे हैं, बाय। मस्ती नहीं करना, ठीक है? मस्ती नहीं करना। भोपाल सिटी में तो ये मेरा पहला साल है ठंड का, क्योंकि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब पूरी भरी गर्मी थी, मई में शिफ्ट हुई थी मैं यहाँ पर, इतनी ख़तरनाक ठंड तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है। मेरी आईज ओपन नहीं कर पा रही थी, मैं आईज क्लोज करके बैठे रहने का मन कर रहा था, मतलब इतना पेन हो रहा था ठंड के कारण, ठंडी हवा के कारण। मैं मोबाइल हाथ में ले रही थी ना, वो मेरा हाथ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ में जम गया पूरा, और हाथ भी काम नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा पूरी बॉडी जो है ना वैसे सुन्न हो गई थी। किस कैसी खतरनाक ठंड है, हम कहीं से भी जाएं ना हमारा रास्ता यहाँ से होकर जाता है, मतलब हमारी, हम जहाँ भी जाएं हमारी राहें मुड़ के कुछ इस तरह से आ जाती हैं। हमारी राहें यही मुड़ जाती हैं।
हम सिटी जाएं या फिर कहीं और भी जाते हैं ना, तो सुबह के घर के सामने से ही होकर हमें जाना होता है, तो बस ऐसे ही रुक जाते हैं, मिल लेते हैं कभी कभी। जब ऐसे नाइट में निकलते हैं तो नहीं रुकते हैं, और कभी कभी ऐसे ना मस्ती मजाक में घर के सामने ऐसे शोभा चिल्लाते हुए निकल जाते हैं। बेचारी दरवाज़ा खोल कर देखती है, तब तक हम लोग निकल चुके होते हैं। अच्छा लगता है ऐसे मिलना। अभी देखिए नहा कर आइए, कितनी सिंपल शोवर में भी इतनी सुंदर लग रही है। पेपर तभी तो ऐसे हाल में घूम रही हूँ, मैं सब दिन आगे आई हूँ। मेरा बच्चा बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, इसके सब सपने पूरे हों, सारे सपने पूरे हों, ऐसे इसके साथ रहने में ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वाली फीलिंग आती है। अभी मैंने खुद भी मेकअप नहीं किया, नेचुरल फेस है मेरा, लोगों को लगता है मैं मेकअप ही करूँ, बिना मेकअप के आती हूँ। जो भोपाल के हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो भोपाल के नहीं हैं तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है। मैं नीतू दीदी से भी ज़्यादातर यहीं पर मिलती हूँ। मुझे नाइट के टाइम यहाँ पर आना अच्छा लगता है। वैसे तो भोपाल नाइट की सिटी है, अच्छा लगता है घूमना क्योंकि सेफ भी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये मेरी नापसंदीदा जगह, मतलब ये पेट्रोल पम्प पे मुझे क्यों लेकर आता, मुझे समझ में नहीं आता। एयरपोर्ट एरिया जहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ इस तरफ, मतलब इतनी दूर तो मेरा कभी आना हुआ ही नहीं है, मैं कभी इस रूट पर नहीं निकली। रोड यार यस, जगह तो है अच्छी सुकून की, देखना आराम से पकड़ के, नहीं तो नीचे अपन सुकून में मिले दोनों। कितनी अच्छी जी भैया, मिल गया आ ही रहा हूँ। अरे माँ कसम यार, देखो ना ऐसी ठंड में कांप गई, मेरा ना गला जाम हो गया, पूरा गला जाम हो रहा, आवाज नहीं निकल रही है मेरी। अब आप सोचो कि अगर मेरी तबीयत खराब, अच्छा वो ताशी को लेकर नहीं, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि बाहर निकलने के बाद क्या कंडीशन हो कैसा हो नहीं पता होता है ना, अच्छा उसको लेकर नहीं आई। चुप रहे, बड़ा आया, लड़ाई हो गई थी मेरी सुबह से, रिकॉर्ड करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। सुबह बोलती कि मैं ताशी को लेकर जाऊंगा, नहीं तो ओला करते, ओला से निकल जाऊंगा। मैंने गुस्से में बोला, इसने बोला ताशी को लेकर नहीं जाना, मैंने कहा धन दे ओला करते चली जाऊंगी मैं। समझ में आया? समझ में क्या आया, मैं तो थी। क्या बोला, गाड़ी खराब हुई ना, जिस परिवार के जा रहे हैं ना, पर मेंटेनेंस चार्ज लूंगा, इकट्ठा मेंटेनेंस लेगा। हाँ तो वो मेंटल से तू मेंटेनेंस लेगा। वो अभी तक अपना मेंटेनेंस तो ठीक नहीं कर पाई, वो तेरे को मेंटेनेंस देगी। लगता है वो जो गेस्ट जा रहे हैं ना, वो वहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और कुछ लग नहीं रहा है कि कोई और भी आ सकता है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि रीना मुझे लेने यहाँ पर कैसे आई। ये रीना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि आपको यहाँ पर आना हमें लेने के लिए। हाथ जाम हो रहे हैं यार, क्या ठंड है यहाँ पे। इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे के पार्ट में नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।